आदाब, मैं हूं शफक जाफरी, आप देख रहे हैं पहचान विद शफक। शायर कहता है कि उड़ानें ताज़ा रखती हैं बदन को, परिंदे धूप में जलते नहीं हैं। तो हमें भी अपनी उड़ानों को ताज़ा रखना है, अपनी हिम्मत को जवान रखना है, चाहे कैसी मसाइल हो, कैसा ही मसला हो, कैसी वबा हो, कैसा ही शोर हो, कैसा ही फसाद हो, हमें अपनी हिम्मत से इस मुश्किल वक्त को काटना है। और हमें क्या क्या करना है इस मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए और बहादुरी के साथ इसका मुकाबला करने के लिए, उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। लेकिन आज के शो में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं, कोई फलसफियाना गुफ्तगू नहीं, बल्कि एक सादा सी जबान में, सादा से टोटके, एक खातून खाना होने की हैसियत से हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ मैं, यकीनन आप सबके काम आएगी कि आप लोग अपने आप को इस कोरोना वायरस COVID-19 के इस अजाब से या यूं कह लीजिए इस वायरस से बचाने के लिए अपने आप को या अपने घर वालों को क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे टोटके, बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, लेकिन उसमें से जो आजमुदा थी, जिनको मैं समझती हूँ कि जिन पे अमल करके हम वाकई अपना अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं, आज हमने उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगी कि देखें, घर में बैठने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कढ़ाई चढ़ी हुई हो और उसमें मुरक्कन खाने बन रहे हों और फ्राई हो रहे हों चीज़ें, और कभी कभी वो भी हो जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो फेसबुक के मैं स्टेटस देख रही हूँ, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती हूँ, और इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज उसमें शेयर हो रही होती हैं, और मैं उन खातून खानों को सलाम भी पेश करती हूँ जो सारे काम भी देख रही हैं घर के। और यकीनन जब घर में सब बच्चे भी हों और शौहर भी हों और भाई भी हों और सब हों, तो काम भी यकीनन बढ़ जाता है और थोड़ा सा चिट चैट भी बढ़ जाती है। तो उसमें फिर ये ऐसे मुरक्कन खाने बनाना और मेहनत वाले खाने बनाना वाकई एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ मरहला होता है जो खवातीन करती हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ स्टेटस खाने पीने के आ रहे हैं, बहुत मज़े के जो है चुटकुले, कुछ वीडियोस जो हैं वो व्हाट्सएप पे आ रही होती हैं। कुछ लोगों को एतराज़ है कि इसको मजाक ना बनाया जाए, तो मजाक तो कोई नहीं बना रहा और इसको सीरियस लेना है, ये इशू बहुत सीरियस है। लेकिन अपने आप को थोड़ा खुशगवार मूड में, थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए, ये मैं तो हैरान होती हूँ बनाता कौन है, और इतने मज़े के कुछ तो कि इंतहा के हम घंटों हंसते रहें। तो मेरी कुछ बहन भाई मुझे भेजते भी हैं, कुछ मेरे भाई, कुछ दोस्त मुझसे कहते भी हैं कि ये वीडियोस भेजो ताकि हम हंस सकें और खूब हंसें। तो हम जो भी अच्छी वीडियोस आती हैं हम एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, या चुटकुले आते हैं भेज रहे होते हैं। उसमें एक जो मुझे किसी ने भेजा कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है, या मास्क पहनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप कोरोना वायरस से महफूज रहे। मास्क पहनने का मकसद ये भी है कि आप अपने ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करें, और साथ में ये भी है कि आप घर में बैठने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने सिर्फ खाना है, क्योंकि जिस रफ्तार से खाने बन रहे हैं और जो रेसिपीज शेयर हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है या तो ईद है या रमज़ान वक्त से पहले आ गए हैं, खूब सारी रेसिपीज आजमाई जा रही हैं और आजमानी चाहेंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा एतदाल में करें, वरना ऐसा ना हो कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो किसी ने शेयर किया था हम एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दें और फिर हम माशाल्लाह से इतने सेहतमंद हो चुके हों कि उसके बाद हमें गालिब का वो शेर याद आए कि उसके बाद हम पछताएं और हम ये कहें कि हाय ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। तो कंट्रोल रखना है, ज़्यादा खाना नहीं है। तो एक चीज़ ये जो आपने बहुत इसके ऊपर फोकस करना है कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, वॉक ज़रूर करना है। बड़े बड़े मसाइल होते हैं, जैसे मेरे साथ मसला ये है कि मेरे घर के कोने के ऊपर कॉर्नर पे दो घर हैं और दोनों घरों के आमने सामने दोनों घरों में ख़तरनाक किस्म के डॉग्स हैं, और जब मैं इस तरह से गुजर के जाती हूँ तो इतनी ज़ोर से जंप मारते हैं कि मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर हमला कर देंगे। और ये हुआ भी है, इसमें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। लोग कहते हैं क्या डरना, बहादुर हैं, भाई बहादुर हूँ मैं, लेकिन मुझे हर किस्म के, हर नस्ल के कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो बहरहाल तो ये एहतियात भी करनी है, लेकिन कोई ना कोई साथ हो तो आप सोशल डिस्टेंस के साथ वॉक कर सकते हैं, वरना बहुत अच्छी यूट्यूब पे एक्सरसाइजेज और वॉक की भी एक्सरसाइजेज हैं कि जिसमें आप अपने घर में ही 30 मिनट से 20 मिनट्स की खड़े खड़े की जगह पे वो स्टेप्स कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने वेट को पुटान होने से बचाने के लिए। प्लस हम जितने डिप्रेशन के इसमें रह रहे हैं, हमें आदत होती है, हम लोगों से मिलते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं,
वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती थी अपने आप को खुश रखने की, और ये रूटीन लाइफ में हमारी होता था। उससे जब हम दूर हैं तो हमें बहुत सारे डिप्रेशन हैं, बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी स्टेप्स हम ले रहे हैं इस वक्त लाइफ में, तो उसमें एक्सरसाइज नंबर वन, आपने एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सिलसिला हमारा ये होगा कि हम आपको कोई एक बेहतरीन बुक या मूवी या कोई इंफॉर्मेशन वाली कोई वीडियो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो सिलसिला भी हम शुरू करेंगे तो अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें, कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें जो आप अपने बच्चों को बता सकें, अपने घर वालों को बता सकें, अपने लिए भी कुछ करें। मैं कोई कहती हूँ उन चीज़ों के ऊपर जो मैंने इतने सारे अरसे में सुना, सोचा और समझा, हम आज वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और ये सबके घरों में मौजूद चीज़ें हैं और ये होनी चाहिए सबके घरों में ज़रूर ज़रूर। तो ठीक है, आज हम जानते हैं हमारे किचन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद होती हैं और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने हमेशा से अपने घर में देखी थी, शादी से पहले भी बचपन से अपने घर में देखी थी और मैंने अपने वालिद को ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखी थी और वो फिर हमें भी कहते थे और हम इस्तेमाल करते थे, तो ये चीज़ें मेरे घर में हमेशा पाई जाती हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास भी कुछ एडवाइजेज हों और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मिस कर रही हूँ और आप हमें गाइड कर सकते हैं तो हमारी इस वीडियो में कमेंट्स में भी लिखिएगा और हमें एडवाइजेस भी कीजिएगा। और आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक के सोशल पेज पे भी आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स अपने लिखें, एडवाइजेस लिखें और यूट्यूब चैनल को पहचान टीवी के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं या हम जो एक दूसरे को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की पहचान की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हकीकी मानों में जुड़ जाएं। तो एक चीज़ जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी और वो मेरे घर में हमेशा से होती भी है और मैं इसको इस्तेमाल भी करती थी, मुझे खरीदने नहीं पड़ी क्योंकि ये चीज़ें मेरे घर पे से निकल आई। तो आपके घर पे भी होंगी, उनको आप सामने रखें क्योंकि बाज़ चीज़ें हाइड हुई भी होती हैं और हम सोचते हैं हम ये इस्तेमाल करेंगे लेकिन नहीं कर पाते और फिर हमारे बच्चे वो ज़्यादा इन टोटकों से या इन देसी चीज़ों से वाकिफ नहीं है लेकिन हम उन्हें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कलौंजी, ये मेरे घर में हमेशा होती है और जो कहा गया है, जो हुक्म है और जो कुरान पाक में भी इसका जिक्र आया है कि कलौंजी हर मर्ज की दवाएं सिवाय मौत के, तो इसको चुटकी भर लेना है। चुटकी में कितने दाने आएंगे वो आपने लेना है और उसको खाना है। मुझे तो पसंद है, मैं खा लेती हूँ इसको चबा के और हॉट वाटर के साथ आपको लेना है। तो ये मैंने ऐसे सामने निकाल के रख दी है और कभी मुझे प्यार से और कभी जबरन जो है मुझे सबको ये खिलाना पड़ती है अपने घर में, लेकिन मुझे करना पड़ता है, मैं ये करती हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई। इससे सुना ये है कि वेट भी कम होता है, मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली आप कर लें लेकिन मुझे लगता है असर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सुबह का जो आगाज़ करें अपना, जो कोरोना वायरस से बचने की जो वाहिद तदबीर लोग कहते हैं बचने की, या अगर हो गया तो आप हॉट वाटर ज़्यादा लें और चाय ज़्यादा पिएं, जो अब तक सुनने में आया है, मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है। सो आपकी ज़िंदगियों में इस वक्त जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को ज़्यादा किसी फेशियल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसको यूज़ करें, क्योंकि मैं करती हूँ ग्रीन टी, ग्रीन टी विद लेमन एंड हनी। मेरे दो हाथ हैं इसलिए मैं इनको ली हूँ, हनी आपके घर में सबके घर में मौजूद होगा। ग्रीन टी विद लेमन निहाल मुँह आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उस कप को रिफिल करती रहती हूँ बार 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 बार। तो हॉट वाटर जितना पियेंगे वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखेगा और कोरोना वायरस को, जो वायरस है जो वो है, वो आपके फेफड़ों में या सांस की नाली में नहीं जाएगा, वो पेट में चला जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बस मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं वो कर रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी मैं अपनी बड़ी राज की बात आपको बताऊँ और बहुत मैं समझती हूँ आपके काम आएगा, ये है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ते के लीव्स हैं, ये हमारे घरों में इंडिया पाकिस्तान में जब दाल भगाड़ते थे तो उसमें ज़रूर होता था, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और लकीली ये मेरे घर में लगा हुआ है और मैं इसको रोज़ाना लेती हूँ और उसकी 5 पत्तियाँ मैं चबा लेती हूँ पानी के साथ। इसका भी खाने में इस्तेमाल होना चाहिए और उसका भी आजकल इस्तेमाल होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से कुछ मैं माइनस कर रही हूँ, कुछ मैं कह रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। ये घर में सबके होना चाहिए और ये इंडियन शॉप से भी मिल जाता है किसी को, अगर जो सिडनी में है वो मेरे घर में बहुत बड़े बड़े दो दरख्त हैं और वो मेरे पास से ले सकते हैं। एक और चीज़ जो है ये है पुदीना, मिंट जिसे कहते हैं,
और इसकी भी पत्तियां चबाना चाहिए, आपको सैलेड में भी डालनी चाहिए, वैसे भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, डिटॉक्स वाटर भी इसका बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें। एक और अहम चीज़ जो हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना है और साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो बहुत अच्छी है, बहुत रिच है, आपने सुना होगा, यह है खजूर, डेट्स। और अगर आप सुबह में ये दो खजूर खा लें नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ, तो आपको बहुत, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तो आपको ऑयली चीज़ों की या बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में खजूर को आप अपने डेली रूटीन में आजकल ज़रूर शामिल रखें, हमारे ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे ब्लड को भी प्योर करेगा। एक और चीज़ ये, इसको इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने वालिद को बहुत ज़्यादा देखा था, और इसको जन्नत के फलों में से एक फल कहा जाता है, इसको कहते हैं इंजीर, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। मैं तो कोई आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये हमारे घर में हमेशा मौजूद होता है और इसको भी हम बहुत शौक से खाते हैं। मेरे घर में लकीली इंजीर का दरख्त मौजूद है, बहुत बड़ा, मैंने कभी नहीं देखी थी कि इंजीर जब होती है तो वो कैसे होती है, ग्रीन कलर की, बड़े से साइज़ की, और उसको उस तरह काट के कच्चा खाते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बैट्स पाई जाती हैं, बैट्स आती हैं, तो मेरी काफ़ी सारी इंजीर वो खा जाती हैं, तो ये इंजीर भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद बहुत अहम तरीन जो हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होती है देसी घरों में, दालचीनी की डंडी। दालचीनी में बड़ी करामात हैं, और वेट लूज के लिए भी, और आपका ब्लड साफ रहे, आपका चेहरा बहुत फ्रेश रहे, उसके लिए भी दालचीनी बहुत यूज़ होती है। और मैंने आसानी के लिए दालचीनी का ये पाउडर जो है मार्केट से ले लिया था। मैं सुबह अपनी ग्रीन टी में विद लेमन, और अगर ज़रूरत है मुझे तो हनी, मैं दालचीनी का पाउडर डाल देती हूँ, वरना आप खुद पीस के रखें, मैंने खुद भी पीस के रखा हुआ है। और उसके साथ जो मैं डालती हूँ वो है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर वेनेगर, हॉट वाटर विद एप्पल साइडर विनीगर विद लेमन एंड हनी। ना सिर्फ ये कि हमारे वेट को कंट्रोल रखेगा, और आजकल जो आप लोग इतनी मुर्गन गजाएं खा रहे हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसके बहुत फ़वाद हैं, ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। सो ये भी आपकी सैलड में होना चाहिए, वरना चलते फिरते जो है आप इसको खा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जिंजर है, अब वो मेरे फ्रिज में, और मेरी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, मैं निकाल के लाती, मैं उसको उसको भी कट करके और ग्रीन जूस बनाती हूँ और ग्रीन जूस पीती हूँ। और मुझे लगता है कि ग्रीन जूस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको, आपके फेस को भी रोशन करेगा, आपको हेल्दी लुक देगा, और जो आप जो उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं उससे आपको रोकेगा। तो आप नाइट टाइम में और मॉर्निंग टाइम में या आफ्टरनून में बिग ग्लास ग्रीन जूस भी ज़रूर पिएं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। खाने बनाना बहुत अच्छी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ मैं हर डिश को सीखूँ और मैं बनाऊँ। लेकिन इस वक्त में कि जब हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के टाइम से भी गुजर रहे हैं और ज़्यादातर वक्त भी घर में गुजर रहा है, तो हम जंक फूड खाने के बजाय चने की बर्नी बना के अपने टीवी लॉन्च में रख दें, नट्स रख दें, और इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी डेली रूटीन लाइफ में चेंज लाएं, क्योंकि हमें लॉकडाउन के बाद एक दूसरे से मिलना है और अपने एक उन पुराने कपड़ों में फिट भी आना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी कि हाल इजार कुछ ऐसा हो कि हम सारा इल्ज़ाम अपने कपड़ों पे लगा रहे हों। स्टे सेफ, स्टे होम, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। और किसी बहुत मशहूर हकीम ने कहा था, दवाइयों से बेहतर है कि आप ग़िज़ाओं से अपना इलाज करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, जो मेरे घर में यूज़ हो रही थी, मैंने आपको दी है, उसको आज़माएं, उस पर अमल करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मोटा नहीं बनाएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए। परवरदिगार जल्द से जल्द हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले और हम एक दूसरे के साथ उसी तरह मोहब्बत से मिलें जिस तरह हम मिलते थे। पहचान टीवी को और पहचान टीवी की टीम को
हमेशा हमेशा आपकी सेहत की बहुत ज़्यादा फिक्र है, इसीलिए हम आपकी सेहत के लिए भी और प्रोग्राम बनाएंगे। आपका फीडबैक हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।